सिर्फ एक बेटी के लिए और एक दामाद के लिए गिफ्ट लाई है अम्मी ने। ये दामाद के लिए रेनकोट, क्योंकि बारिश का सीजन चालू हुआ ना अभी। सिर्फ एक बेटी और एक दामाद के लिए गिफ्ट आया है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं ठहरेगा। मेरे तरफ से गिफ्ट मेरी बेटी के लिए मारिया, सब पूरा गिफ्ट सिर्फ मारिया के लिए आया है, हमारे लिए कुछ नहीं। सना ये तेरे लिए, नहीं नहीं चल दे ये ला मेरे, सब मेरे। अरे ये ये भी मस्त है। एक गिफ्ट सना के लिए, सना ही तेरे लिए। अम्मी ये बुढ़ियों के फैशन में नहीं फैशन बेटा, बुढ़ियों का फैशन मैंने वो ना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है आपने देखा हमारे घर में कितना हंसी मजाक चल रहा है, क्योंकि अम्मी जब घर पर रहती है ना तब ऐसे ही हम लोगों को हंसाते रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो है मैं यहाँ पर मारिया के हाथों पर मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मारिया जो है कल जाने वाली है और वो मुझसे कह रही थी कि मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दे, तो बस मैंने एक ही हाथ पर उसके मेहंदी लगाई। तुम आंटी ने जाना, मैं आंटी के पास मैं सुबह में जाऊंगी तो शादी तू जा। बराबर कहते फ्रेंड्स, बराबर ना? आगे कहां जाते और अभी जो है वो शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर डिनर की यानी रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मार्केट से ये आए थे और इन्होंने सब प्याज वगैरह सब्ज़ी टमाटर वमाटर जो था वो सब कुछ लेकर आए हैं। और प्याज जो है इन्होंने काफ़ी छोटी छोटी सी लाए थे जो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और क्या कर सकते हैं, अभी बारिश का भी सीज़न है और इसमें मतलब बारिश के सीज़न में प्याज का तो हाल पूरा ख़राब होता है। चलो अच्छा है, मतलब इतनी अच्छी तो मिल गई है, वरना इससे भी बदतर हालत की प्याज जो है अभी मार्केट में आई हुई है। और यहाँ पर जो है मैंने सारी सब्जियों को धो लिया है और अच्छे से मैंने इनको फैला कर रखा है सूखने के लिए। और अभी जो है यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मूंग लेकर आए थे जिसको हल्के हल्के से कोम निकले हुए रहते हैं ना, वो वाली मूंग, तो उसकी भी अभी यहाँ पर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसमें मैं प्याज और टमाटर ही डालने वाली हूँ ज़्यादा। और यहाँ पर जो है वो मैं मारिया से कह रही थी कि प्लीज़ कल मत जा और दो दिन के लिए रुक, लेकिन वो नहीं मान रही थी। देखते हैं क्या होता है, जाती है या और दो दिन उसके बढ़ते हैं यहाँ पर, देखते हैं। वैसे कासिम भाई जान तो मानने वाले नहीं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर आए हुए पूरा एक महीना हो चुका है। और अभी जो है यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी, शाम लोग को हम लोगों ने जो चाय वगैरह पिए थे बस उसके बर्तन पड़े हुए थे, तो वही मैं अभी यहाँ पर धो रही हूँ। ये देखिए मैंने चाय के सारे बर्तन जो है यहाँ पर धो लिए हैं, और उसके बाद जो है अभी मैं रात का खाना बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर अभी 8 बज चुके हैं। और ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने ऑयल डाला, और उसके बाद जो है जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें प्याज जो है वो डाल दूँगी। कि आज जो है मुझे मतलब ज़्यादा कुछ पकाना नहीं है अभी, क्योंकि ना दोपहर में हम लोगों ने चिकन का सालन बनाए थे लंच में, और मतलब वो सालन भी बचा हुआ था, और हमारी जो है दोपहर में जो हम लोगों ने सब्ज़ी बनाए थे वो भी थोड़ी सी बची हुई थी, थोड़ी सी थी, इसलिए मुझको यहाँ पर दोबारा से सब्ज़ी बनानी पड़ रही है। और चावल भी हमारे दोपहर के थोड़े से बच ही गए हैं,
लेकिन रोटी मुझे अभी जो है यहाँ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अम्मी जो है वह हमारे रोटी खाते हैं। अम्मी को हमारे थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है, इसके लिए ना अम्मी को चावल खाना मना है, फिर भी अम्मी थोड़े से खा ही जाती है चावल। और यहाँ पर जो है मैंने प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट कर लिए, उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, और हल्दी की मतलब जब तक स्मेल आती है ना उस वक्त तक उसको अच्छे से भून लिया, और फिर मैंने उसमें मेरी मूंग जो थी वो मैंने डाल दी, और ऊपर से हरा धनिया कट करके डाला। और यहाँ पर जो है अभी मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सैलेड बना रही हूँ अम्मी के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए मैंने शिमला मिर्च लिया है। और सैलेड में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ प्याज टमाटर शिमला मिर्च ही लिया है, और कुकुम्बर वगैरह मेरे पास यहाँ पर नहीं था और इन्होंने लाए भी नहीं थे। और ये वाले शिमला मिर्च जो है ना वो अली ने इस तरह से उसको पूरा ये करके रखा था, लेकिन मैंने बोली कि अच्छी है तो फेंकूँ क्यों मैं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा जो अच्छा जो पार्ट था उसमें वो मैंने कट करके लिया, और सैलेड जो है मैंने बना लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। और यहाँ पर जो है अभी मारिया रोटी के लिए आटा गूंथ रही है, क्योंकि मैं ही बना रही थी, लेकिन मारिया ने बोली चल दे मैं बना लेती हूँ आज, और वैसे भी कल से तुझको ही बनाना है, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी, और दो दिन इसको कैसे भी करके रुकाने का मेरा इरादा है, देखते हैं अभी मानती है या नहीं। और अभी जो है हमारे यहाँ पर रोटी भी बन रही है, जैसे ही हम लोग का खाना बन जाएगा हम लोग खाएंगे, क्योंकि ये खाना बनाते बनाते तक ना हम लोगों को यहाँ पर 9 बज चुके हैं, तो वीडियो जो है वो बहुत मतलब ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं उसको शॉर्टकट में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, इसलिए आप लोगों को ऐसा मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोगों को काम करते करते काफ़ी लेट हो जाता है। और यहाँ पर जो ये बैठे हुए थे, लेकिन इनको जैसे ही पता चला मैंने कैमरा ऑन रखा है, तो इन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रख दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रात का खाना लग चुका है, आ जाइए आप लोग भी हम लोग के साथ खाने में, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।